हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोतवाली राजघाट तिवारीपुर थाना क्षेत्रों में 18 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। डीएम ने लोगों से की अपील, कहा घरों में रहें, करें लॉकडाउन के नियमों का पालन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्य कराने के दिए निर्देश। क्राइम ब्रांच और चिलवाताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम को गैंग के सरगना सहित 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को पकड़ने में मिली सफलता। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई पिकअप गाड़ी सहित एक मोटरसाइकिल भी किया बरामद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा बैठक, कोरोना महामारी को देखते हुए आपसी समन्वय बैठा कर योजना को गति देने के दिए निर्देश। जिले में सोमवार को पुलिस लाइंस के 7 पुलिस कर्मियों समेत 63 मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 754, 424 स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। जिले में एक्टिव केस 313, अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। वाहन चेकिंग के दौरान बेली पार पुलिस ने गैंगस्टर के वांछित 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोतवाली सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों में 18 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। एडीएम सिटी ने कहा सभी आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी। तहसील सदर में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर पूरे परिसर में 48 घंटे के लिए बनाया गया हॉटस्पॉट, तहसील को किया गया सैनिटाइज, बरती जा रही है सावधानी। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर जेपी ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे 4-लेन निर्माण कार्य से क्षुब्ध युवाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन, निर्माण कार्य को अविलंब पूरा करने की मांग। और सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचे गिने चुने श्रद्धालु, मंदिर के पुजारियों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कतारबद्ध कराई पूजा अर्चना।